मेरे स्वामी ने मेरा धे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवास श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नात है सो तेरों वाधीन सो तेरों जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गाइए आ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम
मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। हम गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुण बिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित कितने बैठे हैं? सो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भाव प्रेम पूर्वक हृदय से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत दिल्ली निवासी मेहता लागवाल्स एंड रियाज परिवार, जिनमें से हमारे प्रमुख हैं सोनिया माता और उनके धर्मपति राकेश जी, पूनम जी, नरेंद्र जी, नीरू माता, सुनील प्रभु और परमजीत जी, नरेंद्र जी और उनके समस्त बाल गोपाल पुत्र संतान आदिगण। अब आपको देखकर तो मुझे वह हरिद्वार की कथा याद आती है। कथा चल रही थी हरिद्वार में और आप सब माताएं मुलाकात के लिए आए थे और कथा कीर्तन सत्संग आदि हुआ था। इवन वृंदावन में भी जब कथा होती है तो आप बहनें कथा में आए बिना रहती नहीं है। सो भगवत कथा रसिक इन माताओं के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा यह सुंदर भागवत कथा का आज आयोजन हुआ है। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कि कलकत्ता में काली देवी की पूजा होती है, सही है, पक्का है? तो और अरे इसमें तो नई बात कहें तो बोलते ना काली कलकत्ते वाली हैं, तो कलकत्ता में माँ काली की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, काली माता की बड़ी उपासना होती है। कलकत्ता से थोड़े से ऐसे ऊपर आएंगे और मुंबई की ओर जाएंगे तो मुंबई में माया की पूजा होती है। वैसे मुंबा देवी है लेकिन बेचारी मुंबा देवी को कोई पूछता नहीं, पूजता नहीं, तो मुंबई में माया देवी की पूजा होती है, इसलिए मुंबई नगरी को माया नगरी कहते हैं। और हमारा तो परवरिश हम वहीं पर हुई है तो हम जानते हैं कि मुंबई कितनी माया नगरी है। तो कहने का अर्थ ये है कि कलकत्ता जो है वो काली देवी की और मुंबई जो है माया नगरी माया देवी की, लेकिन यदि पूछा जाए दिल्ली किसकी है तो एक ही जवाब आएगा कि दिल्ली दिल वालों की है। तो हमारी सोनिया माता, पूनम माता, नीरू जी, परमजीत जी दिल्ली में रहते हैं और वास्तव में कहा जाएगा कि ये दिल वाले हैं। इनका भगवान के प्रति बड़ा भाव है, प्रेम है, स्नेह है, बड़ा आदर है और इसी भाव प्रेम के चलते इन माताओं ने यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन इस पावन पुरुषोत्तम मास, इस अधिक मास में किया है। सो आइए, मेरा भी परम सौभाग्य है कि दिल वालों की दिल्ली है और दिल्ली में रहने वालों की हम आज कथा गाने जा रहे हैं। सो पावन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है और लगातार हम सब विनम्र प्रयास करते हुए भगवत कथा का गुणानुवाद, श्रवण, स्मरण आदि कर रहे हैं। अधिक मास की महिमा हम सुनते ही आए हैं और जो भी चंद दिन बचे हैं हम सुनते रहेंगे, परंतु अधिक मास में करने लायक कार्य अनेकों है। उनमें से सबसे उत्तम कार्य है
वो है भगवान को तुलसी अर्पण करना। तो आज हम सब का परम सौभाग्य रहा, और साथ ही साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी है, और आज ही के दिन हम सब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे तैसे भी तुलसी के द्वारा भगवान का अभिषेक या भगवान की पूजा सेवा आराधना हम सब ने की। सो आइए, कथा प्रारंभ हो रही है, प्रथम दिवस है, तो हम तुलसी महिमा प्रारंभ करते हुए आज की कथा हम श्रवण करेंगे। चिंता मत करो, कुछ समय पहले हमने जो तुलसी महिमा सुनाई थी उनमें से एक बात भी रिपीट नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि तुलसी की महिमा बहुत है, इवन भगवान से भी अधिक महिमा माँ तुलसी की है। और तुलसी जी के विषय में पूरा उपनिषद, तुलसी उपनिषद ही वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखा गया है। सो बहुत सारी सात्विक तात्विक बातें हैं। सो आइए, आज तुलसी अर्चनम हुआ है, एकादशी है, पावन पवित्र मास, अधिक मास है, और भागवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो तुलसी माता की कृपा से ही हमारे जीवन में भक्ति और ब्रजवास प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे तुलसी देवी की महिमा सुनते हुए हम आगे बढ़े। एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर भक्त की कथा है वहाँ भगवान की कथा अवश्य है, लेकिन जहाँ भगवान की कथा है वहाँ डाउट है, भक्त की कथा होगी या नहीं होगी, इसमें क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहाँ भक्त की कथा होती है वहाँ भगवान की कथा अवश्य होती है। तो तुलसी महारानी जैसी परम भक्ता की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं, अवश्य भगवान की पवित्र गाथा कथा हम सब सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही भागवत के मूल श्रोता महाराज परीक्षित की कथा आती है। प्रायः हम सब जानते हैं, थोड़ी सी दृष्टि डाले, हम यहाँ से तुलसी महिमा प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत में तुलसी कहाँ है? कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही तुलसी है। अब सीधे सीधे भागवत पढ़ोगे तो शायद नहीं भी दिखाई देगा, लेकिन साधु संतों के चरणों में बैठकर जब आस्वादन करेंगे तो ये सारी बात प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि पांडवों के वंशज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए महाराज परीक्षित। एक और भगवान श्री कृष्ण 128.5 वर्ष तक इस धरती पर रहे और 128.5 वर्ष तक लीला करके भगवान अपने धाम वैकुंठ गवलोक वृंदावन में वापस लौटे। और दूसरी ओर यह बात जब महाराज युधिष्ठिर को पता चली, तब महाराज युधिष्ठिर ने यह निर्णय किया कि अब कृष्ण यदि इस संसार में इस धरती पर नहीं है तो हमें इस दुनिया में रहने से क्या लाभ है। तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाया और चारों भाइयों से निवेदन किया कि मैं तो ये राज्य छोड़ रहा हूं, आपकी क्या इच्छा है। अन्य चारों भाइयों ने भी कहा कि महाराज यदि आप इस संसार में इस राज्य में नहीं रहोगे तो हम भी जीकर क्या करेंगे। युधिष्ठिर महाराज के साथ नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये चारों भाई तैयार हो गए कि हम हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे। तब परीक्षित महाराज को बुलाया गया और परीक्षित महाराज का राज तिलक कर दिया। परीक्षित को राजा बनाकर पांचों पांडव हरिद्वार, हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय और हिमालय स्वर्गारोहण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। और यहां पर महाराज परीक्षित का बहुत सुंदर राज्य है। महाराज परीक्षित के राज्य में सब लोग प्रसन्न, सब लोग सुखी। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए वन में जाते हैं और वन में
उन्हें बड़ी प्यास लगती है। महाराज परीक्षित को कहीं जलाशय नहीं मिला, तब समीक ऋषि के आश्रम में आते हैं और देखा कि समीक ऋषि ध्यान में है। वास्तव में ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान का नाटक कर रहे हैं? यह परीक्षण करने के लिए, यह परीक्षा लेने के लिए महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। समीक ऋषि फिर भी ध्यान में बैठे रहे। परीक्षित समझ गए कि साधु वास्तविक ध्यान में बैठे हैं। महाराज परीक्षित जल पीकर वापस लौटे और यहां पर किसी व्यक्ति ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर कहा कि आपके पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। और श्रृंगी ने न सोचे समझे जाने बिना श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से 7 दिन के बाद तक्षक के द्वारा, तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। कथा आप सब जानते, मैं मात्र स्मरण कराऊं, संक्षिप्त में पॉइंट बता रहा हूं। और फिर महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में पहुंचे और श्रृंगी जब अपने आश्रम में पहुंचे, उनके पिता जीवित थे और समीक ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दिया है, तब समीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा, जाओ परीक्षित को बताओ कि तुम्हें 7 दिन में मरना है, 7 दिन में मरना है, तुम्हें मरने का जो उपाय करना है कर लो, ये मेरे बेटे की गलती है, उस गलती को अब हम सुधार नहीं सकते लेकिन आप कर सकते हो। महाराज परीक्षित को जब ये पता चला, अब कथा, अब मूल पाठ अब आ रहा है। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो सबसे पहले महाराज परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं किया। सबसे बड़ी बात, महाराज परीक्षित ने सोचा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो फिर अब एक ना एक दिन मरना है तो किसी समय कहीं आते जाते हार्ट अटैक आ जाए और अचानक मर जाए, उससे तो अच्छा है कि 7 दिन में, एग्जैक्ट 7 दिन के बाद मरना है तो मुझे पता तो है कि भाई 7 दिन तो मैं जीवित रहूंगा, ये भी ईश्वर की एक कृपा है। अब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है तो जिसको कैंसर होता है, कोरोना होता है, तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट पता तो चला कि भाई चलो 3 महीने में जाने वाले हैं, 3 महीना तो अपने पास है, लेकिन कहीं आते जाते एक्सीडेंट हो गया, आदमी खत्म हो गया, तो जो सत्कर्म करना है वो कर भी नहीं पाएगा। तो महाराज परीक्षित ने इसे पॉजिटिवली लिया कि पता नहीं जीवन में कहीं एक्सीडेंटल मौत हो जाए और कब मृत्यु आ जाए, सत्कर्म नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 7 दिन तो मेरे पास है और इन 7 दिनों में मैं ऐसा कार्य करूंगा कि बार बार मरना न पड़े। तब महाराज परीक्षित ने बहुत सोचा, बहुत सोचा कि घर पर तो मैं नहीं रहूंगा, घर पर नहीं रहूंगा, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, और मैंने ब्राह्मण का अपराध किया है, उस ब्रह्म हत्या, उस ब्राह्मण के अपराध से मुक्त होने के लिए मुझे किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, ये कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन एक नया प्रकाश में आपको दे रहा हूं कि महाराज परीक्षित के मन में ये ऑप्शन चल रहे थे कि 7 दिन में मरना है, लेकिन अब मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, मैं किसकी शरण ग्रहण करूं जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं, भगवान के धाम को प्राप्त कर जाऊं, भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ उस ब्रह्म हत्या से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, मैं कहां जाऊं। महाराज परीक्षित पांडवों के वंशज थे, बहुत ऊंचे घराने के लड़के थे, ऊंचे घराने के राजा। उनके हृदय में विचार आया कि यदि मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्त होना है,
जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है और ईश्वर से प्रेम करना है तो मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए? माँ तुलसी का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध 19वां अध्याय और 6ठा श्लोक 1:19:6 महाराज परीक्षित जब हस्तिनापुर से निकले तो किसकी शरण में गए? सुध गोस्वामी ऐलान करते हैं, यावे लसत सी ए तुलसी विमिश्र, यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र, कृष्णांघ्रिरेणव व्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान उभयत्र सेशान, पुनाति लोकान उभयत्र सेशान, कस्ताम न सेवे तमरीशमानः, कस्ताम न सेवे तमरीशमा। अब आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार भागवत पढ़ा होगा, कितनी बार भागवत सुना होगा, अने परीक्षित ने तुम्हें घसीद ना क्या है, परीक्षित को तो इतना सुना होगा, लेकिन कभी इस पर माइंड किया आपने, कभी गौर फरमाया कि महाराज परीक्षित किसकी शरण ग्रहण किए? जब आज तुलसी महिमा और आज जब तुलसी का अभिषेक हुआ, इसलिए दास के मन में ये बात आई और कहा कि प्रस्तुत करो, नहीं तो इससे हम वंचित रह जाते। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है और प्रसिद्ध श्लोक भागवत 1:19:6। तो महाराज परीक्षित ये सूत गोस्वामी ऐलान करते हैं, यावे लसत श्री ये तुलसी विमिश्र, कृष्णांघ्रिरेणवम अभिकाम्बुनेत्री। अब देखिए बुद्धिमान, इसलिए तो कहते ना महाजनो येन गतः सपन्था। हमारी बुद्धि तो यहां तक पहुंचती नहीं है। परीक्षित महाराज ने सोचा कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ईश्वर तो मेरे पास नहीं है, तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से निकट, भगवान से सबसे निकट और नजदीक जो तत्व है उनकी शरण में जाऊंगा तो भगवान मिल जाएंगे। होता है ना, बड़े प्राइम मिनिस्टर या कोई समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो सीधा तो उससे नहीं मिल सकते, लेकिन उनके मित्र या उनके निकट वाले जो होते हैं ना वाउचर जो जमुरे होते हैं, तो उनके साथ यदि संबंध हो गया तो आज नहीं तो कल उस बड़े प्रतिष्ठित आदमी से हम मिल सकते हैं। भगवान तो दूर है, ईश्वर तो बहुत दूर है, लेकिन इस धरती पर, इस संसार में हमारे पास प्रैक्टिकल फिजिकल ऐसी कौन सी वस्तु है जो कृष्ण से बिल्कुल निकट है? तब महाराज परीक्षित ने सोचा, यार यावे लसत श्री तुलसी विमिश, तुलसी है। देखिए श्लोक में क्लियर लिखा है, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, यावे लसत श्री तुलसी विमिश, तुलसी है जो कृष्ण के बहुत निकट है, कृष्ण के बिल्कुल निकट है। और फिर अब ये तो तुलसी, ये तो आपको समझ में, महाराज परीक्षित तुलसी की शरण में गए, लेकिन सोचा कि ये तुलसी और कृष्ण के निकट और दूसरा कौन सा तत्व है? तब महाराज परीक्षित ने सोचा दूसरा तत्व है कृष्ण के चरणों का जल, माने गंगा जल, माँ गंगा, और तीसरा है भगवान श्री कृष्ण की रेणु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज। तो यहां पर तीन वस्तु का वर्णन है कि तुलसी, माँ गंगा और कृष्ण के चरणों की रज, ये तीनों जो है कृष्ण से बिल्कुल निकट हैं और ये तीनों इस दुनिया में हमारे पास उपलब्ध है।
तो ये तीन की शरण ग्रहण करूंगा। फिर से कहूं, किसकी शरण? तुलसी, गंगा जल और कृष्ण के चरणों की रज। तो ये तीनों की शरण ग्रहण करूंगा तो डेफिनेटली मुझे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये तीनों एक साथ मिलेंगे? तब महाराज परीक्षित ने निर्णय किया कि शुक्रताल, मुजफ्फरनगर आज का हरिद्वार, और भागीरथी गंगा का जो तट है वो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। तो महाराज परीक्षित माँ गंगा के आश्रय में गए। इसका और एक अर्थ ये भी है कि गंगा का जल क्या है? गंगा का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धोवन है। ठीक है, गंगा जल क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों को ब्रह्मा ने धोया और फिर गंगा के रूप में भगीरथ जी उसे धरती पर लेकर आए। तो गंगा का जल कृष्ण के चरणों का धोवन है। अब मुझे आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ब्रज रज तो लगी होती है, वो तो है ही। तो पानी गंगा जल से जब वो चरण धोया जाएगा तो गंगा जल उस ब्रज रज को लेकर भी निकलेगी। तो गंगा में कृष्ण के चरणों की रज है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी होती है। अब आप लोग ठाकुर जी की सेवा करते हो, आप लोग कर ही रहे होंगे कि हम चंदन केसर आदि लगाकर कृष्ण के चरणों में तुलसी लगाते हैं। तो कृष्ण के चरणों में तुलसी है और तुलसी के साथ साथ नीचे चरण की रज है। अब और एक पॉइंट बता दूं, और कृष्ण के चरणों में ब्रज की रज है। अब ब्रज रज कैसे लगती है? तो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर दारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ने यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी। कृष्ण कैसे हैं? यमुना तीर वन चारी। कृष्ण जो है ना, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं तो कहते हैं ना कि 75 से जाना है, 95 से जाना है, फ्रीवे लेना है, हाईवे ले। तो गुजराती लोग तो बिना तोल वाला ही ढूंढते हैं कि कहाँ तोल नहीं है। खैर, तो कृष्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कौन सा मार्ग पकड़ते हैं? कृष्ण कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? कौन सा मार्ग से कृष्ण जाते हैं? तब कहते हैं यमुना तीर वन चारी। ब्रज में विचरण करने के बहुत मार्ग हैं। आज भी आप जाओ, आज भी आप वृंदावन की परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, तो मार्ग तो बहुत है ना। तो कृष्ण को ब्रज में विचरण करने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन कृष्ण यमुना तीर वनचारी, यमुना के किनारे किनारे चलते हैं। एक और यमुना का दर्शन, दूसरी ओर। तो कृष्ण क्योंकि यमुना के तट पर चलते हैं इसलिए यमुना के किनारे की जो रज है वो रज कृष्ण के चरणों में लग जाती है। ठीक है, तो यमुना के किनारे की रज लगती है तो यमुना जल रज के साथ मिश्रित होता है। तो कृष्ण के चरणों में यमुना का जल और ब्रज रज ये दोनों लगे हुए हैं, और फिर चरण के ऊपर तुलसी है, और फिर ब्रह्मलोक का वह जल, कारण समुद्र का वह जल ऊपर से आया तो वह जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरा, तो वह गंगा जल कृष्ण के चरणों से तुलसी, यमुना और ब्रजरज ये तीनों को लेकर बहता है। इसलिए संस्कृत श्लोक, आइए थोड़े व्याकरण में, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है नेत्री। नेत्री का अर्थ होता है वाहन, व्हीकल। नेत्री माने व्हीकल, वाहन। हमारी भाषा में नेत्री माने ढोने वाली, उठाने वाली। सो ये गंगा क्या है? ये गंगा, यहां पर गंगा को क्या कहा गया? गंगा जो है ना व्हीकल है, वाहन है। किसका? अब वाहन में कोई तो बैठेगा, खाली खाली तो वाहन नहीं चलेगा।
तो गंगा रूपी वाहन में यमुना बैठी हैं, ब्रज की रज बैठी हैं और तुलसी देवी बैठी हैं। माँ गंगा का जल जो है तुलसी, ब्रज रज और यमुना, ये तीनों को लेकर बहती हैं और इसलिए महाराज परीक्षित गंगा के तट पर गए। भेजा खाली नहीं था, नहीं तो हस्तिनापुर से एक और गंगा एक और यमुना, है ना। महाराज परीक्षित यमुना भी जा सकते थे, लेकिन यमुना में मात्र यमुना मिलती, लेकिन गंगा के तट पर इसलिए गए क्योंकि वहां यमुना भी है, ब्रज रज भी है और तुलसी भी है और गंगा भी है, और इसलिए महाराज परीक्षित वहां पर। लेकिन ये चार वस्तु है, ठीक है, लेकिन चारों में प्रधानता किसको दी महाराज परीक्षित ने, तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन चारों में प्रधानता यहां पर कहते हैं, यावे लसत श्री हे तुलसी विमिश्र। महाराज परीक्षित ने इन चारों में सर्वप्रथम प्रधानता तुलसी महारानी को दी है। इससे हम समझ सकते हैं ये इस श्लोक में चारों चीज है, तो ब्रज रज यमुना गंगा इन तीनों से उत्तम है देवी तुलसी। सो ऐसी तुलसी के शरणों में महाराज परीक्षित गए और माँ तुलसी का आश्रय लेकर, फल तो आप जानते ही हैं कि 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हुए। और इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, देखिए सूत गोस्वामी अपना मत देते हुए 4थी लाइन कहते हैं कि जब इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने, कितने बुद्धिमान रहे होंगे, और 7 दिन में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया देवी तुलसी के शरणों में जाकर, तो लास्ट में कहते हैं कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। मरिष्यमाण माने मरने वाला व्यक्ति, मरिष्यमाण माने मरण धर्मा, मरिष्यमाण माने जिसको एक ना एक दिन मरना है, अर्थात हम जैसे लोग, मेरे जैसे आप तो कभी नहीं मरने वाले हैं, आप तो सब 2-5 हजार वर्ष जीने वाले हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो जिसको मरना है निश्चित है, आज नहीं तो कल मरना है, तो कस्ताम न सेवेत, तो वह तुलसी का सेवन क्यों नहीं करेगा। कैमुत्य न्याय से यहां पर कहते हैं, प्रश्न उठाकर कस्ताम न से, आश्चर्य करके कि आदमी क्यों नहीं तुलसी की शरण ग्रहण करेगा, एक ना एक दिन तो मरना है, तो मरने के बाद हरि को प्राप्त करना है, हरि प्रेम को प्राप्त करना है, तो क्यों तुलसी की शरण ग्रहण नहीं करेगा। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में महाराज परीक्षित तुलसी के, माता तुलसी के शरणों को प्राप्त करते हैं। तो ये हैं श्रीमद् भागवत में तुलसी की महिमा। तुलसी की कितनी कितनी महिमा है आप सुनते जाइए। मैंने पिछली बार कहा था मैं श्लोक नहीं दिखा पाया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने बार बार कहा कि अर्जुन मेरी भक्ति करो। गीता में तो कर्म योग हैं, ध्यान योग हैं, ज्ञान योग हैं, ये सभी योगों का वर्णन भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का सार है भक्ति योग। ये बात याद रखनी चाहिए। कई बार कुछ लोग गीता तो पढ़ते हैं लेकिन गीता पढ़कर भगवान जो कहना चाहते हैं वो तो पल्ले ही नहीं पड़ता, कुछ और ही उठा लेते हैं। श्रीमद् पूरी भगवद गीता का सार कृष्ण का यही है कि मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो। और जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मेरी भक्ति करो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु प्रैक्टिकली आपकी भक्ति कैसे की जाएगी, आपकी भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9.26 9वां अध्याय और 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम
भक्ति उपरितम अशनामी प्रयत आत्मना, अशनामी प्रयत आत्मना। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपकी भक्ति कैसे करें, तो कृष्ण ने कहा सिंपल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार वस्तु यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये मुझे अर्पण करो, हो गई भक्ति। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध में आमना सामना होने वाला है, और उस समय भी कृष्ण तुलसी महारानी को नहीं भूले। कैसे? कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भक्ति कैसे करें, तो कृष्ण ने कहा पत्र से, पुष्प से, फल से और तोय से। तोय माने जल, फल माने तो आप एकादशी के दिन मार्केट के फल टेंशन में आ जाते हैं केळान सफरजट नेशन में आ जाए कि हमें अमारू शू थशे, एकादशी आ रही है, तो फल भी आप जानते हैं। तोय माने जल, फल माने फल, पुष्प माने फूल। लेकिन सबसे पहले कृष्ण ने कहा पत्र, पत्र माने तुलसी पत्र। भगवत गीता में भी कृष्ण तुलसी को नहीं भूले, यदि दृष्टि हो समझने की, तो नहीं तो पत्र में आप क्या लोगे, बिली पत्र। बिली पत्र कृष्ण ने कहीं लेवा देवा नहीं, हाँ बिली पत्र शिव जी के लिए ठीक है, लेकिन यहां पत्र का अर्थ है तुलसी पत्र। सो और समझने वाली बात यह, एक तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा, और साथ ही साथ चार वस्तु जो बताई, उन चारों में प्रथम स्थान पत्र को दिया, तुलसी पत्र को। वहां महाराज परीक्षित ने भी तुलसी को स्थान प्रथम दिया, और यहां भगवद गीता में भी कृष्ण ने पत्रम तुलसी पत्र का स्थान पहले दिया। बार बार वेदों में शास्त्रों में इस प्रकार से तुलसी पत्र की महिमा बताई, स्वयं भगवान भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तुलसी को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम कुछ न करें, केवल तुलसी भगवान को अर्पण करें ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शास्त्र के प्रमाण के साथ आपको बताऊं। विष्णु धर्मोत्तर में एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक आया है, विष्णु धर्मोत्तर के दूसरे स्कंद प्रथम अध्याय और 149वां ये श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नच विक्रीणिते स्वयं आत्मनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। विष्णु धर्मोत्तर में श्री वेदव्यास मुनि ने कहा है, लिखा है कि तुलसी दल मात्रेण, ज्यादा कुछ नहीं। अब ज्यादा करो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमाइज बताते हुए कहते हैं कि मात्र तुलसी दल और कुछ नहीं। जैसे आज हम सब ने इसका लाभ लिया। सो विष्णु धर्मोत्तर में कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण, मात्र तुलसी दल और जलस्य चुलुके न च, और चुलुक भर, चुल्लू भर कहते ना, चुल्लू भर पानी में डूब जा, ये चुल्लू हिंदी जो और संस्कृत दोनों एक ही है। चुलुकेन माने थोड़ा सा जल, सो थोड़ा सा जल, जलस्य चुलुकेन थोड़ा सा जल और मात्र तुलसी दल, ये दोनों यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं। अब इसमें क्या लगता है, कई बार कुछ लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है? तुलसी दल मात्रेण, मात्र तुलसी दल और जलस्य चुलुके नच, और थोड़ा सा आचमन करो उतना जल, ये दोनों यदि हम कृष्ण को अर्पण करते हैं, या शालिग्राम को, या भगवान स्वरूप को अर्पण करते हैं, तो भगवान विक्रीणिते स्वयं आत्मना, भगवान उस भक्त के हाथों में बिक जाते हैं। कितनी बड़ी बात, विक्रीणिते, विक्रीण माने बेचना, बिकना, भगवान स्वयं आत्मना अर्थात अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। तो भगवान बिकने के लिए बैठे मार्केट में आ चुके हैं, मैं अपनी भाषा में,
कृष्ण जो है ना मार्केट में आवी गया है वेचावा, कृष्ण मार्केट में आ चुके हैं बिकने के लिए, लेकिन उस कृष्ण को यदि खरीदना है, विक्री नीते खरीदना है, तो दो चीज करनी होगी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके न च, जल के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पण करोगे तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि विक्री नीते अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं। वैसे भगवान को कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, लेकिन कहते हैं स्वयं भगवान को इतना भाव, इतना प्रेम उमड़ता है कि इसने तुलसी दल मुझे चढ़ाया है, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने से ही दे देते हैं, अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ते ब्यो भक्त वत्सल, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्त के प्रति बड़ा प्रेम करते हैं। कुछ समय पहले हमने कथा सुनी थी, कलयुग के प्रारंभ में आज से 125 वर्ष पूर्व बड़ी दारुण परिस्थिति प्रकट हुई थी, और उस समय अद्वैत आचार्य भगवान को पुकार रहे थे, प्रभु यदि आप इस धरती पर नहीं आओगे तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, प्रभु कलयुग के अंत में जो स्थिति होनी चाहिए, कलयुग के अंत में जो पाप पाखंड होना चाहिए वो पाखंड कलयुग के प्रारंभ में शुरू हो गया, इसलिए प्रभु आपको आना ही होगा। अद्वैत आचार्य भगवान को धरती पर बुलाना चाहते थे। अद्वैत आचार्य कौन? महाविष्णु और शिव जी के अवतार अंश। जब भगवान कृष्ण को धरती पर बुलाना चाहते थे तो ऐसा वर्णन है, अद्वैत आचार्य रोज यह श्लोक बोलते थे। अद्वैत आचार्य यह श्लोक बोलते कि प्रभु आपने कहा है कि तुलसी दल मात्रण जलस्य चुलुके नच, आप थोड़े से जल और तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हो। अद्वैत आचार्य रोज शालिग्राम शिला को तुलसी दल जल चढ़ाते थे और हुंकार करते थे, प्रभु आपको आना होगा। और फिर ऐसा ही हुआ, अद्वैत आचार्य की उस हुंकार से, अद्वैत आचार्य के पुकारने से भगवान इस धरती पर प्रकट हो गए। क्या हुआ? एक ग्रंथ में वर्णन है कि अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर बैठकर शालिग्राम की सेवा पूजा कर रहे थे, और आज जैसे सहस्त्र तुलसी दल चढ़ाए गए वैसे भगवान को तुलसी दल चढ़ा रहे थे, और बहुत सारे तुलसी दल पुष्प ये सब कुछ जब भगवान को चढ़ाया और फिर चढ़ाकर गंगा में अर्पण कर दिए, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है तो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। अब गंगा जिस दिशा में बह रही है, गंगा सागर की ओर, आज एक आश्चर्य हुआ, और ये आश्चर्य क्या हुआ कि वे तुलसी व पुष्प गंगा सागर की ओर जाना चाहिए उसके पहले विपरीत दिशा में चलने लगा। अब अद्वैत तो अद्वैत है, अद्वैत ने कहा ये क्या हुआ, हरिदास ठाकुर साथ में थे, बोले ये क्या है, तो उल्टी दिशा में जा रहा है। अद्वैत ने कहा नहीं, इसको रोको रोको, अद्वैत आचार्य गंगा में कूदे और तुलसी का पीछा किए, तुलसी तेज गति से आगे आगे, बहुत सारे तुलसी पुष्प आगे आगे, अद्वैत आचार्य पीछे पीछे पकड़ो, और हरिदास ठाकुर किनारे पर चलते चलते कई कोस चल दिए, और अद्वैत आचार्य कई कोस उस तुलसी और पुष्प के पीछे पीछे चले, और दूसरी ओर नवद्वीप में मायापुर में जगन्नाथ मिश्र की धर्म पत्नी माता शची जो गर्भवती हो चुकी थी और आज उस मायापुर गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आई थी, और वे पुष्प तैरते तैरते उल्टी विपरीत दिशा में तैरते 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 रिवर्स तैरते तैरते शची माता के पास आए, और शची माता बिचारी स्नान कर रही थी गंगा में, और सारे तुलसी के पुष्प शची माता के पेट के पास आकर खड़े रह गए। शची माता इसे दूर करने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वो तुलसी उनके पास आ जाते हैं, और कुछ देर के बाद अद्वैत आचार्य तैरते तैरते आए, बोले मेरे तुलसी कहाँ गए, तुलसी कहाँ गए, लेकिन तुलसी शची माता को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और तब अद्वैत आचार्य ने सर्टिफाइड किया, अद्वैत आचार्य ने ऐलान किया कि जिस भगवान को मैं पुकार रहा हूँ वे भगवान इस शची माता के गर्भ में आ चुके हैं।
सो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, ऐसा कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य ने तुलसी और जल से भगवान शालिग्राम की पूजा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पर प्रकट किया था। हम और आप भी यदि भगवान को प्रकट करना चाहते हैं तो तुलसी दल मात्रण, तुलसी की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। और आगे हम कथा सुनते हैं तुलसी महारानी की कृपा से किस प्रकार से पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि तुलसी की संगति करनी चाहिए, जितना हो सके उतना तुलसी के साथ रहना चाहिए। हमने तो कई ऐसे भक्तों को देखा है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है, जहाँ तुलसी होती है, वहाँ पर अपना मस्तक रखकर सोते हैं, रात भर तुलसी का आशीर्वाद और तुलसी का एसोसिएशन उसे मिले। इवन जब हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ऐसी विधि विधान है कि तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर, उनकी संगति में बैठकर साधना करने से मन स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। और आज से लगभग 535 वर्ष पूर्व एक ऐसी ही घटना घटी। एक बहुत बड़े भक्त हुए, वैसे यवन कुल में उनका जन्म हुआ था और नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण की भक्ति करने लगे और ऐसी भक्ति की है कि समाज में, संसार में उनका नाम होने लगा। एक बात याद रखिएगा, अपना नाम करने के लिए भक्ति नहीं किए थे, लेकिन जो शुद्ध भाव से भजन करता है वो आज नहीं तो कल भगवान उसे समाज में प्रसिद्ध कर देते हैं। हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि मान प्रसिद्धि भजन भक्ति में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है, लेकिन हरिदास ठाकुर की प्रसिद्धि होने लगी और कई सारे यवन अपने यवन धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार करने लगे, हरिनाम का जाप करने लगे। और उस समय रामचंद्र खान करके एक यवन था, वे हरिदास ठाकुर को बदनाम करना चाहता था, उनकी पवित्रता को भंग करना चाहता था। इसलिए रामचंद्र खान ने, रामचंद्र खान तो ये रामचंद्र माने ये हिंदू ही होगा, ये हिंदू था, लेकिन हिंदू ने धर्म परिवर्तन कर लिया इसलिए हो गए थे रामचंद्र खा। तो उस रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए, उनकी प्रसिद्धि को तोड़ने के लिए एक वेश्या को, एक नृत्यांगना को भेजा। उस नृत्यांगना का नाम भी शास्त्र में दिया गया, हीराबाई उनका नाम था, और कहा कि हरिदास ठाकुर की पवित्रता को भंग करो। हीराबाई ने कहा कि चिंता मत करो, 3 दिन मुझे चाहिए, 3 दिन के बाद आपका ये हरिदास, हरिदास नहीं रहेगा, हीरा दास हो जाएगा, मतलब हीरा का दास, मतलब मेरा दास मेरे चरणों में गिर जाएगा, आप चिंता मत करो, बड़े बड़े लोगों को मैंने गिरा दिया है। तो वह नृत्यांगना हरिदास ठाकुर की कुटिया में आई और हरिदास ठाकुर, आप जानते हैं, 3 लाख नाम जप करने का व्रत था। उस नृत्यांगना ने कहा कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा, लेकिन मेरा एक संकल्प है देवी, मैं 3 लाख नाम जप करता हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ कार्य करता हूँ। तो एक काम करो, यहाँ पर वेट करो, मैं नाम जब कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। अब वहाँ हरिदास ठाकुर की कुटिया जहाँ पर वे नाम जप कर रहे थे, वहाँ पर तुलसी का एक पौधा था। वैष्णव के घर पर और क्या होगा, तुलसी का पौधा था। वह हीराबाई नृत्यांगना उस तुलसी के पौधे के नीचे बैठी और हरिदास ठाकुर को देखती रही। उसको तो कोई काम धंधा है नहीं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन हरिदास ठाकुर तो 22 घंटा नाम जप करते थे, थक गई। बोले आज काम नहीं बनेगा, मैं कल आऊंगी। घर पर चली गई, दूसरे दिन आई, हरिदास ठाकुर को प्रस्ताव, बोले तुम मेरी वेट करो, मैं 3 लाख नाम जप करने के बाद इच्छा पूर्ण करूंगा। वो बैठी तुलसी के पौधे के चरणों में, फिर दूसरे दिन भी थक गई, तीसरे दिन आई,
हरिदास ठाकुर ने कहा आज तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम वेट करो। वे वेट कर रही हैं और 22 घंटे के बाद जब हरिदास ठाकुर की आंखें खुली तो ऐसा वर्णन है कि जो हीराबाई, जो नृत्यांगना हरिदास ठाकुर को झुकाने के लिए, उनकी पवित्रता को भंग करने के लिए आई थी, वही नृत्यांगना आज हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करने आई थी, लेकिन क्या पता इस तुलसी के चरणों में बैठकर और आपके मुख से हरिनाम सुनकर मेरा मन ही बदल गया और आज मैं अपने मन को बड़ी कोस रही हूं कि मैंने मेरे जीवन में इतने पाप किए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है महाराज, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे दंड दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, मुझे नरक में नहीं जाना है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब हरिदास ठाकुर ने उस नृत्यांगना को क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवन, निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुमी कृष्णेर चरण, अचिरात पावे तुमी कृष्णेर चरण। हरिदास ठाकुर ने उस नृत्यांगना को कहा, जिस नृत्यांगना का पूरा जीवन और एक नहीं कई पीढ़ियों से उस नृत्यांगना के जीवन में पाप करते आए हैं, असंख्य पाप किए हैं, लेकिन उस नृत्यांगना को हरिदास ठाकुर ने कहा कि दो काम करना है बस। हे हीराबाई तुम्हें केवल दो काम करना है। हरिदास ठाकुर ने अपनी जप माला उससे दे दी और कहा कि निरंतर भगवान का नाम लो। हीराबाई ने पूछा भी होगा कौन सा नाम, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि ये महामंत्र निरंतर नाम लवो, निरंतर कृष्ण का भगवान का नाम लो, और एक बात मत भूलना, दूसरी बात क्या कहते हैं, कर तुलसी सेवन और तुलसी का सेवन करो। निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवन, यदि ये दो कार्य करोगी हीराबाई तो अचिरात, चिरात माने बहुत देर के बाद, चिरात माने बहुत समय के बाद, लेकिन अचिरात माने तुरंत बहुत जल्दी। तो यदि नाम लोगी और कर तुलसी सेवन, तुलसी का सेवन करोगी तो अचिरात बहुत जल्दी तुम्हें अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण, तुम्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हरि नाम और तुलसी का सेवन अत्यंत आवश्यक है। ये है माँ तुलसी की महिमा, अनंत महिमा है भक्तों, असंख्य महिमा माता तुलसी की। और एक बात आप सब जानते हैं ना, जब इंद्र ने प्रकोप किया, इंद्र ने ब्रज में बहुत वर्षा की और इंद्र के उस प्रकोप से सांवर्तक मेघ ने इतनी वर्षा हुई कि पूरा ब्रज बहने लगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि कई वर्षों से ब्रजवासी गण इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए तब कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि भाई इंद्र की पूजा मत करो, यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो।
तब नंद बाबा आपने आदि ने कहा कि भाई इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि वर्षा हो, बारिश हो, बारिश होगी तो खेती होगी, अन्न होगा, घास होगा, गाय घास खाएगी, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि ये सारी बात हमारे कर्म के ऊपर आधारित होती है और इंद्र स्वयं कर्म बंधन में बंधे हुए हैं तो वे हमारे कर्म को कैसे बदल सकते हैं। इंद्र गोप एक कीड़ा होता है, लाल रंग का छोटा सा कीड़ा जिसका नाम है इंद्र गोप। तो इंद्र गोप से लेकर उस छोटे से कीड़े से लेकर उस स्वर्ग के राजा इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म भोगतने पड़ते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है। तो इंद्र भी कर्म से बाहर नहीं है, जब इंद्र भी बाउंडेज है, कर्म में है, तो फिर हमारे कर्म कैसे बदल सकता है। यदि अपने बुरे कर्म को सुधारना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो हे बाबा आप गोवर्धन की पूजा करो। सभी ब्रजवासियों ने कहा कि देख कृष्ण तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, ये फिलोसॉफी, ये सिद्धांत हमारे समझ में कुछ नहीं आती है, लेकिन कृष्ण तू चाहता है, तेरी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा हो, तो हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। लेकिन गोवर्धन की पूजा करनी कैसे है, कृष्ण ने कहा सिंपल, आपने जो जो भोग सामग्री बनाई है वो इंद्र को न भोग लगाकर गोवर्धन को भोग लगा दो, चलो सब मेरे साथ। सभी गोप और छोटे बड़े सभी गोप बैलगाड़ी में बैठे और सारा अपना भोजन सामग्री सामान रखा और गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और गोवर्धन के सामने ये पूरा अन्नकूट निर्माण किया गया। कहते हैं अन्नकूट, कूट माने पर्वत, गोवर्धन जैसा था वैसा ही एक पर्वत अन्न का बन गया। और फिर प्रश्न उठा कि गोवर्धन को भोग कौन लगाएगा, बोले जिसने पट्टी पढ़ाई है उसी को बताओ, हम तो इंद्र को भोग लगाना जानते, गोवर्धन को तो पहली बार है। बोले कृष्ण ने पट्टी पढ़ाई है, कृष्ण को बोलो, कृष्ण गोवर्धन को भोग धराने लगे। अब गोवर्धन भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, दोनों भगवान आमने सामने। कृष्ण ने कहा गोवर्धन आइए, और नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गोवर्धन मूर्तिमान रूप में प्रकट हुए और अन्नकूट में जो भोजन था वो खाने लगे, और केवल खाने ही नहीं लगे, प्रसन्न चित से हंसने, स्माइल देने लगे, और केवल स्माइल ही नहीं, अनुमोदन करने लगे कि ये पूड़ी बहुत अच्छी है। कोई बता सकता है कि किसके घर से ये पूड़ी आई है, तो कहते हाँ महाराज मेरे घर से आई है। बोले आप कौन, बोले मैं साउथ केरलाइना में रहता हूँ, ऑरेंजबर्ग में, मैं बलदेव, मेरे घर से पूरी आई है। तो बोले ये उंधिया बहुत अच्छा है, ये कहाँ से आया। तो मधुसूदन प्रभु बोले मेरे घर से आया, आप कौन, बोले मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ। એટલે હું જે નામ લઉં બનાવજો પાછા, તો એ બહુ અચ્છા હૈ, ઓર યે ચાટ બહુ અચ્છા હૈ, હા મેન બાત તો યહાં યે ચાટ, ગોવર્ધન ને કહા યે બહુ અચ્છા હૈ, યે કહાં સે, તબ સોનિયા માતા ને કહા યે હમારે દિલ્હી સે આયા હૈ, દિલ્હી કા ચાટ ફેમસ હૈ, તો યે હમારે દિલ્હી સે આયા હૈ, દિલ્હી મેં ચાટ ખાતે ઓર હો ભી જાતે ખટ્ટે મીઠે ચાટ જૈસે લોગ, તો યે હમારે ઘર સે આયા હૈ। તો ગોવર્ધન જી અનુમોદન કરને લગે, और अनुमोदन ही नहीं, कहने लगे कि आपको क्या चाहिए, क्या इच्छा है, और सब लोग अपने अपने मन की इच्छा बोलने लगे और गोवर्धन जी सबको आशीर्वाद, सबको वरदान देने लगे। देखिए अब ये कथा भी आपने सुनी है, अब इसमें तुलसी का रहस्य कहाँ, ये मैं आपको बताऊं। ये चल रहा था, ये चलते 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 अब गोवर्धन तो सब खाली करने लगे और कृष्ण को पसीना होने लगा, यार मैंने पट्टी पढ़ाई है, अब ये सब खाली हो गया और ये कहेंगे और लाओ और लाओ और लाओ, तो ये बेचारे कहाँ से बनाएंगे, और जीवन में पहली बार मैंने गोवर्धन की पूजा करने को कहा और ये ब्रजवासी गण को कहेंगे कि तुमने भूखा रख दिया, मेरा पेट नहीं भरा, तो दूसरी बार गोवर्धन की पूजा कोई नहीं करेगा। तो जब भोजन खाली होने लगा और गोवर्धन बोलने जा रहे थे अन्यो और अन्न लाओ और अन्न लाओ, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन के हाथ में तुलसी पत्र दे दिया। गोवर्धन के हाथ में, अब ये तो भूखे ही थे, खा ही रहे थे, तो
तो जो भी था वो तो खाते जा रहे थे, कृष्ण ने तुलसी पत्र रखा और तुलसी पत्र खा लिया, तो तुलसी पत्र खाने से परिपूर्णता हो जाती है। तुलसी पत्र जो है ना भोजन के बाद मुखवास के रूप में कृष्ण ग्रहण करते हैं, तो तुलसी पत्र खाया और सारा भोजन संपन्न संपूर्ण हो गया और सारी गोवर्धन की पूजा समाप्त हुई। इसलिए एक बहुत बड़े कवि, एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिसका नाम है चंद्रशेखर आचार्य। तुलसी की महिमा बताते हुए बहुत सुंदर बात कही कि जब तक कितना भी अच्छा भोग हो, भोजन हो, लेकिन उसमें तुलसी पत्र न हो तब तक वह भोग परिपूर्ण नहीं होता है, कृष्ण उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और कितना भी अच्छा हमारा शरीर हो लेकिन हमारे शरीर में भी जब तक तुलसी न हो, तुलसी कंठी न हो, तुलसी की माला न हो, तुलसी पत्र का तिलक न हो, भगवान हमें ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमें तुलसी की सेवा, तुलसी का सेवन, तुलसी का सेवन, तुलसी सेवन माने तुलसी की आरती पूजा और फिर जो तुलसी हम भगवान को लगाते हैं उस तुलसी को ग्रहण करना, इसे तुलसी सेवन करते हैं। तो इस प्रकार तुलसी सेवन करने से भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है और परिपूर्णतम भगवान भी परिपूर्ण होते हैं। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासित नारदो भीक्ष्णम कृष्णोपासन लालस कृष्णोपासन लालस। गोविंद भुजगुप्तायाम, एक समय की बात, सुखदेव गोस्वामी भागवत के एकादश स्कंध में, अब यहाँ भी तुलसी महिमा है, तुलसी कुरुक्षेत्र में भी है, तुलसी ब्रज में भी है, तुलसी द्वारिका में पहुँची है। तो गोविंद भुजगुप्तायाम, गोविंद की दोनों भुजाओं से सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी जहाँ पर आवासित आते रहते थे कौन? नारद मुनि। सो नारद मुनि निरंतर गोविंद की भुजाओं से सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी में बार बार आते थे और कारण यही था कृष्णोपासन लालसा। ये दिल्ली वाले बार बार नहीं वृंदावन जाते हैं, जैसे ही छुट्टी पड़ती है तो वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी दर्शन, श्याम सुंदर जी का दर्शन। तो ठीक उसी प्रकार नारद मुनि आते रहते थे द्वारिका में। एक दिन एक घटना घटी, श्री नारद मुनि आए द्वारिका में और भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और सभी पत्नियां रोने लगी। नारद मुनि, नारद जी आप सबका काम करते हैं, आज हमारा भी कुछ काम कर दीजिए। नारद जी ने कहा लेकिन हुआ क्या? नारद जी ने कहा कि आपके पति स्वयं भगवान है और आपके पति पूरी दुनिया का काम करते हैं, मुझ साधु के पास आप लोग क्यों आई? मेरे पास आकर क्या लाभ, क्या फायदा? तब रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, पद्मा, अनेकों पत्नियां थी, नारद जी के चरणों में निवेदन करने लगी, महाराज हम जानती हैं कि हमारे पति ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन वो भगवान आज खतरे में है। नारद जी ने कहा कृष्ण खतरे में, द्वारिकाधीश खतरे में? बोले हाँ, द्वारिकाधीश आज खतरे में है। बोले क्या हुआ? बोले कुछ समय पहले इन्होंने तुम्हारा भाई है ना, थोड़ा समय पहला कोई ने वरदान आपेलू, कुछ समय पहले कृष्ण ने किसी को वरदान दिया था कि आपकी बेटी का जब विवाह होना, जब होगा तब मेरे पास आना। वो दुखी था, बोले मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि जब बेटी की शादी होगी तब मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें कुछ सोना गहना दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ऐसा नहीं, क्लियर करो आप कितना दोगे। देखिए दान भी मांगना और ऊपर से सब क्लियर करवाना, भाई द्वारिकाधीश, द्वारिका नगरी है, वहां सब पॉसिबल है। बोले क्लियर करो आप कितना दोगे।
कृष्ण ने कहा आप कितना क्या आपको कितना चाहिए, बोले आप ही बताओ ना कितना दोगे। कृष्ण ने कहा एक काम करो, एक तराजू रखेंगे और तराजू में एक पात्र में मैं बैठूंगा और मेरा जितना वजन है उतना गोल्ड उतना सोना मैं तुमको दे दूंगा। बोले अब ठीक है ओके, मेरी बेटी की जब शादी होगी मैं आऊंगा। कुछ साल बीते और ये ब्राह्मण आया, बोले प्रभु याद है? बोले बिल्कुल याद है, तो मेरी बेटी की शादी है और मुझे सोना दे दो। चलो एक बहुत बड़ी तराजू, रींगणा बटेटा वजन करवानू आवे तराजू, वो तराजू, एक बहुत बड़ी तराजू बांधी गई और उस एक छाबड़े में एक पात्र में कृष्ण बैठे और दूसरे पात्र में द्वारिकाधीश ने कहा कि हमारे पास जो तिजोरी में जो गोल्ड है सोना हीरे मोती जो भी है रखो और जितना वजन करके ब्राह्मण को भगाओ। तो कृष्ण के अनुचर दूसरे पात्र में वो सोना रखते गए, हीरे मोती जवेरात सब कुछ रखते गए, लेकिन आप तो जानते हैं ध्रुव महाराज ने क्या कहा, कल्पांत एत दखिलम जठरेन गृहणन और शेते पुमान। ये पुरुष, ये परम पुरुष, ये कृष्ण, ये क्या है, कौन है? बोले कल्पांत, कल्प के अंत में है, ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है तो कल्पांत एत दखिलम, ये अखिलम जगतम हम जो देखते हैं ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को जठर में धारण कर लेता है। कल्पांत एत दखिलम जठरेन गृहणन, ये कृष्ण करोड़ों ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और शेते पुमा आराम से सो जाते हैं। तो जिस भगवान के पेट में, जिस भगवान के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड टिके हुए हैं, उस भगवान को तराजू पर चढ़ाया गया और तराजू के एक पात्र में कृष्ण को रखा और दूसरे पात्र में गोल्ड रखते गए। आश्चर्य की बात, द्वारिका नगरी का सारा गोल्ड समाप्त हो गया, कृष्ण का जितना भी धन था सब कुछ समाप्त, और जो भी रुक्मणी जो लेकर आई थी शादी के समय, अब ये तो अब देखिए पति के घर की जो चीज होती ना वो तो एक बार चली जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने मायके से जो लेकर आते हैं वो यदि चढ़ाना पड़े तब तो मतलब मृत्यु आ जाती है कि अब क्या करें। तो ये कृष्ण की सारी संपत्ति चढ़ गई, पत्नियों की चढ़ गई, लेकिन फिर भी वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तब ये उसी समय नारद मुनि का आना, यहां पर श्लोक में लिखा आवासित नारदो, नारद जी आए और नारद जी के चरणों में प्रार्थना निवेदन किया कि आप हमारे पति को कैसे भी करके मुक्त कराओ, हमारी द्वारिका की लाज रखो नारद जी, कुछ करो। नारद जी ने कहा क्यों चिंता करे, चलो हमारे साथ। नारद मुनि पता नहीं अपनी जेब में तुलसी पत्र रखते होंगे, नारद जी गए वहां पर, नारद जी ने कहा एक काम करो ये सारा सोना गहना सब नीचे उतारो। वो गुजराती द्वारिका थे ना वहां गुजराती चलता है, भाई साहब रेवा दो ने, अमे मेहनत करी ना बधु ऊपर माथे चढ़ाव्यू छे, हवे तमे बधु नीचे उतारो छो पछी फरीथी चढ़ाव छो, अमे नवरा नथी, अमा नी तो न लगाड़ाय पण अमे नवरा नथी। खैर तो नारद जी ने कहा कि मैं बोल रहा हूं आप सब उतारो, मुझे कॉन्फिडेंस है, चिंता मत करो ये सब नीचे उतारो। तो कृष्ण एक पात्र में बैठे, दूसरे पात्र में जितना सोना गहना गोल्ड लगाया था वो सब कुछ नीचे उतारा और आप सब जानते हैं कि श्री नारद मुनि ने एक तुलसी पत्र लिया और उस पर कृष्ण नाम लिखकर जैसे उस पात्र पर रखा तो तुलसी का वजन बढ़ गया और कृष्ण का वजन घट गया। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। भगवान भी नहीं समझ पाए कि ये तुलसी में ऐसा क्या है जो मुझे हल्का कर दिया और खुद भारी हो गई। ये है तुलसी, ये है तुलसी जो भगवान से भी भारी है, भगवान को भी हल्का कर दे, हल्का माने वजन में हरा दे, ये है तुलसी। और कारण तुलसी कृष्ण की भक्ति करती है और भक्ति के कारण भगवान भी तुलसी के सामने छोटे बन जाते हैं। ऐसी तुलसी का आश्रय हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति कराने वाला। और दूसरी चीज क्या है ना, तुलसी गुणों में भी सुंदर है, तुलसी का कमाल भी बहुत बड़ा है
और साथ ही साथ तुलसी एक आभूषण भी है। अब देखो हमारा तो दोनों काम बन जाता है, एक तो तुलसी, तुलसी धारण करने से, तुलसी गले में कंठी धारण करने से एक तो भगवान भी मिलते हैं, पवित्रता भी आती है, और दूसरा शरीर का आभूषण हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आए तो सूत गोस्वामी कैसे दिख रहे थे, कुछ समय पहले हमने सुना था। तो सूत गोस्वामी के विषय में बृहद नारदीय पुराण में यह लिखा, लसत श्री तुलसी मालम जटा मुकुट मंडितम जपंतम परमम मंत्रम हरे शुरणम अद्भुतम। सुध गोस्वामी के विषय में कहा लसत तुलसी मालम, सुध गोस्वामी बहुत सुशोभित हो रहे थे, और सबसे बड़ी सुशोभित क्या हो रही थी, लसत, लसत माने सुशोभित, बहुत सुंदर शोभित हो रही थी, क्या तुलसी मालम। सो तुलसी माला शोभित करती है, काम भी करती है, काम भी जबरदस्त है, और शो में भी मतलब दिखने में भी जबरदस्त है। और आजकल तो भक्त लोग कैसी कैसी तुलसी माला पहनते हैं, आप कभी देखिए हमारे बच्चों को क्या क्या तुलसी का पत्र और उसमें कोई डिजाइन, उसमें ये वो अब स्टाइल करने वाले तो कहीं भी कर लेते हैं। सो तुलसी में भी क्या क्या निकला है, लेकिन तुलसी जो है वो जूनागढ़ ने भी कहा ना, है जूनागढ़ भी बोल पड़ा कि गरख मारू गोपी चंदन अने तुलसी हेम नोहार साचू नाणू मारो श्यामळो अने मारे दौलत मा जांज पखाजे श्यामळा गिरधारी। तो नरसिंह मेहता ने भी कहा कि तुलसी हेम नोहार, ये जो तुलसी है मेरे लिए तो सोने का गोल्ड का हार है। तो ये है तुलसी महारानी। तुलसी के विषय में रसखान की बड़ी श्रद्धा थी। हमारे मध्यकालीन युग में एक बहुत बड़े संत हुए रसखान, हरिदास ठाकुर का तो हमने सुना। ये रसखान, खान से ही आप समझ गए होंगे, यवन परिवार में, मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रसखान। रसखान के विषय में ऐसा वर्णन है कि वो अपने गले में 200-200 कंठी माला पहनते थे। हम लोग तो 2 राउंड 3 राउंड बस, लेकिन रसखान 200 राउंड पहनते थे। आज भी आप ब्रज में जाओगे ना तो कई ऐसे संतों को पाओगे जो बहुत सारी कंठी, बहुत सारी तुलसी धारण करते हैं। रसखान जी के विषय में वर्णन है कि जब वे कृष्ण भक्ति करने लगे तो वहाँ के राजा ने, यवन मुस्लिम राजा ने बुलाया कि ये क्या कर रहे हो तुम, तुमने अपना धर्म, अपना मजहब, कुरान कलमा पढ़ना, ये सब कुछ क्यों छोड़ा, ये सब छोड़ने का कारण क्या। तब रसखान जी ने, रसखान की रचना तो आप अद्भुत, आप कभी रसखान के पद पढ़िए, वो मैं कुछ दिन पहले कहा था, लालन एक विनय सुनियो मेरी गली में तुम आई हो ना, हे लालन हे कृष्ण मेरी गली में मत आना, आओगे तो मुस्कुराना मत, और मुस्कुरा दिए तो बांसुरी मत बजाना, बांसुरी बजा दी तो गाना मत गाना, और गाना गा लिए तो आइयो तो फिर जाइयो ना, फिर एक बार आ गए तो फिर चले मत जाना। ये रसखान के बड़े अद्भुत। उसी रसखान को एक मुसलमान दरबार में राजा की सभा में खड़ा किया गया और कहा अपना मजहब छोड़कर, कुरान कलमा छोड़कर ये गीता और हरिनाम तो लेने लगा, कारण क्या। उस समय रसखान जी ने बहुत सुंदर कहा, रसखान को पूछा गया कहा कमी इस्लाम में, ये रसखान कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, तुमने हमारी आन बान शान को बिसरा दिया, भूल गए, कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान कहते हैं मन वैरागी होई गयो सुन मुरली की तान, मन वैरागी होई गयो सुन मुरली की तान। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं सरकार, लेकिन जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर की मुरली सुनी है, बांसुरी सुनी है, उस दिन से मेरा मन वैरागी हो गया है और दर दर भटक रहा हूं, हरिनाम गा रहा हूं। बात ठीक है रसखान,
तुम हरि नाम लेते हो, ये सनातन धर्मी, ये हिंदू धर्म भी अपने गले में कंठी पहनते हैं, लेकिन 200-200 कंठी धारण क्यों करते हो, कंठी क्यों धारण करते हो? रसखान जी ने कहा कि देखो, इस दुनिया में यदि कोई किसी को शरणागत नहीं होता तो उसकी बड़ी संसार में फजीहत होती है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा था, मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर होई, मन कुत्ता दर दर फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि मन जो है ना, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कबीरदास अपने मन की बात और मेरे जैसे लोगों की बात, वो कहते हैं कि मन कुत्ता, मन कुत्ते के समान है और दर दर फिरे, मन कुत्ते के समान है और दर दर भटकता है, कभी यहां कभी वहां। और कुत्ता यदि किसी के मतलब कहीं चला जाए तो लोग उसे मारते हैं, कोई लकड़ी मारता है, कोई पत्थर। अमेरिका की तो बात अलग है, हमारे गांव के खहुरिये की बात कर रहा हूं, जो गांव के कुत्ते होते हैं वो किसी गली में तो लोग मारते हैं, पीटते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर होए, लेकिन वह कुत्ता जो एक दर का होई रहे तो तर तुर करे न कोई, एक दर का जो होई रहे तो तर तुर करे न कोई। वह कुत्ता यदि किसी एक मालिक का हो गया और मालिक ने उस कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया तो किसी की ताकत है कि उस कुत्ते की ओर आंख उठाकर देख सके? कुत्ते को मारा जाता है, पीटा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा नहीं है। जिस दिन वो किसी मालिक का हो गया और मालिक ने पट्टा बांध दिया तो कोई उसको न तर तर तुर तुर कुछ नहीं करता है, वो शान से घूमता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में, इस दुनिया में हमारी फजीयत अनेकों प्रकार की माया के प्रभाव और अनेकों प्रकार के कष्ट इसलिए होंगे जब तक हम किसी को शरणागत नहीं होते। भगवान कृष्ण को शरणागत होकर ये तुलसी का बेल्ट यदि हम पहन लें तो कुत्ते जैसी हालत नहीं होगी, तर तर तुर तुर नहीं होगा, बच जाएंगे। हमारे वहाँ वो कुत्ते पकड़ने वाले गवर्नमेंट के लोग आते हैं, डॉग वैन, कुत्तों की वैन लेकर आते हैं और गली में बहुत सारे कुत्ते उसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के, म्यूनसिपैलिटी के वो जो लोग हैं जिसके गले में बेल्ट होता है, उस कुत्ते को नहीं लेकर जाते हैं, बाकी सबको तो घसीट घसीट के लेकर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय यमराज के दूत आएंगे और जिसके गले में तुलसी का बेल्ट पट्टा नहीं होगा उसकी तो पिटाई मारते हुए घसीटते हुए लेकर जाएंगे, लेकिन जिसके गले में तुलसी होगी, किसी को शरणागत जीव होगा, भगवान को शरणागत होकर तुलसी पहनेंगे, वो आँख उठाकर नहीं देखेंगे। ये सब रसखान ने कहा। तो बोले ठीक है रसखान, तुम 200-200 कंठी क्यों पहनते हो? दो कंठी ठीक है, 200-200 कंठी क्यों? तब रसखान जी ने कहा कि महाराज, ये हमारे सनातन धर्मी जो भाई है वे 2-3 कंठी पहनने से वे तैर जाएंगे, लेकिन मुझे तैरने के लिए 200 चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी में जब जहाज चलता है उस जहाज में जितना ज़्यादा वजन हो उतना बड़ा जहाज चाहिए, है ना? जहाज वो लकड़े का जहाज जो होता है वो बड़ा जहाज चाहिए। तो सनातन धर्मी भाई लोग जो है उनके अंदर वजन कम है, किसका? पाप का वजन, पाप का बोझा जो है वो बहुत कम है, इसलिए उसे तैरने के लिए 2-3 कंठी काफी है। लेकिन मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे अंदर पाप का बोझ, पाप का वजन बहुत ज्यादा है और इसलिए मुझे तैरने के लिए 200-200 कंठी की आवश्यकता है, तब जाकर मैं भवसागर को तैर पाऊंगा, पार कर पाऊंगा। भक्तों शास्त्र में कहा गया, यस्य कंठे तुलसी नास्ति, जिस व्यक्ति के कंठ में तुलसी नहीं है, यस्य कंठे तुलसी नास्ति ते नर मुड्ढ मानसा, वो नर व मनुष्य मुड्ढ है। श्वान विष्ठम समान च अन्नम, बुरा मत लगाइएगा, शास्त्र के शब्द बोल रहा हूं,
फिर आप स्वीकार करो न करो आपके ऊपर। लेकिन लिखा है कि यस्य कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है ते नर मुड्ढ मानसा, वो नर मुड्ढ है, वो मुड्ढ मनुष्य है। फिर उसी श्लोक में आगे कहते हैं कि बिना तुलसी के जो अन्न खाता है, जब हम अन्न खाते हैं ना तो ये तुलसी को टच होके जाता है, भले तुलसी बाहर है कंठ पर है, लेकिन अन्न कंठ को स्पर्श माने तुलसी को स्पर्श होकर नीचे जाता है। तो कहते हैं कि बिना तुलसी के जो अन्न खाता है वो अन्न कैसा है, श्वान विष्ठम, श्वान माने कुत्ता, कुत्ते की विष्ठा के समान वो अन्न है जो बिना तुलसी पहनकर या बिना तुलसी को भोग लगाकर खाता है। तो श्वान विष्ठम समान अन्नम और जलम च मदिरा समम, और बिना तुलसी पहने या तुलसी दल अर्पण भगवान को किए जल पीते हैं तो वह जल मदिरा के समान माना जाता है। तो मदिरा पीने से जो पाप लगता है, नशे की बात नहीं है, नहीं तो कुछ लोग जल का नशा करेंगे, नशे की यहाँ पर यहाँ बात है पाप की। मदिरा पीने से जितना पाप होता है उतना ही पाप बिना तुलसी धारण किए होता है। अब देखिए आगे, स्नान काले तुलसिया अंगे, हम कंठ में तुलसी धारण करते हैं और जब हम स्नान करते हैं तो स्नान काले तुलसिया अंगे दृश्यते तुलसी शुभा। कहते हैं कि स्नान करते समय जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो तुलसी को स्पर्श होकर हमारे शरीर पर गिरता है, तो स्नान काले तुलसिया अंगे, हम तुलसी यदि गले में है तो सर्व तीर्थेषु स्नानम च भवते तु न संशय। तो वे तुलसी को स्पर्श होके पूरे शरीर पर पानी गिरता है, तो इसका अर्थ है कि सर्व तीर्थेषु स्नानम, सभी तीर्थों में हम स्नान कर रहे हैं। कितनी महिमा, हम लोग तुलसी पहनकर स्नान करते हैं लेकिन जब ये हम पढ़ते हैं सुनते हैं तब इसकी महिमा और ये उत्साह बढ़ता है कि तुलसी कंठी को स्पर्श होके जो स्नान होता है उससे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं भवते नतु संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और कंठी दर्शन करके खाने का फल, सीखते सीखते तू लभते अश्वमेघम फलम मुने। कंठी धारण करके जब हम भोजन करते हैं, बिना कंठी के तो आपने सुन लिया के शुकर व श्वान विष्ठा के समान, परंतु तुलसी गले में धारण करके जब अन्न खाते हैं तो कहते हैं सीखते सीखते ग्रास, एक एक कोलिया एक एक ग्रास सीखते सीखते अश्वमेघम फलम, एक एक ग्रास पर एक एक अश्वमेघ का फल प्राप्त, अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है तुलसी पहनकर जब हम भोजन करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि तुलसी अपने कंठ पर धारण करें और तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें। तो हम तुरंत सोचेंगे अब तो तुरंत तुलसी पहन लेंगे, लेकिन तुलसी पहनने के लिए कुछ नियम है और नियम मात्र इतने हैं कि नहीं खाने की वस्तु कभी नहीं खानी चाहिए, मांस मदिरा आदि, इसका चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो प्रभुपाद कहते हैं ये पालन करके ही तुलसी धारण करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत बहुत वर्ष पूर्व एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक, वैसे साधारण बालक तो जब जन्म लेते हैं तब रोते हैं, लेकिन ये बालक जब जन्म लिया तो सबसे पहला उनके मुख से नाम लिखा राम, वो राम शब्द बोला, और जन्मते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या करें, उनका नाम रखने वाला कोई मिला नहीं, लेकिन समाज को पता था कि जब इसका जन्म हुआ तब ये राम बोला था, इसलिए उस लड़के का नाम ही रख दिया राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। ये राम बोला इधर आ, ये राम बोला ये करे, राम बोला, उसका नाम ही पड़ गया राम बोला, क्योंकि जन्म से ही उसका नाम। अब एक दिन क्या हुआ, अब माँ नहीं, बाप नहीं, माता पिता नहीं, बेचारा अनाथ बालक, एक दिन उस बालक के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। अब जन्म से जो राम बोला है उसको चोरी का इल्जाम, लेकिन बालक के ऊपर चोरी का इल्जाम।
अब उन दिनों अब इसने चोरी नहीं की थी, चोरी कोई और किया होगा, लेकिन किसी की दृष्टि बालक के ऊपर गई और इसे राम बोला ने ही चोरी की है, इसको दंड दिया जाएगा। तो दंड क्या मिला? बोले 5 साल तक जिसके घर पर चोरी की है उसके बगीचे में तुमको सेवा करनी है, गार्डनिंग करना है। वो माली, जो माली काम करता है ना, गार्डनिंग करना है। तो वो राम बोला लड़का 5 साल तक उस मालिक के घर पर गार्डनिंग किया, मतलब वो माली का काम किया। उस बगीचे में बहुत सारे तुलसी थे, तो ये राम बोला लड़का उस तुलसी में रोज जल डालता, गार्डनिंग करते करते तुलसी को भी जल डालता और तुलसी पत्र उतारता। 5 साल तक उस राम बोला ने तुलसी की सेवा की और फिर उसका नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास। ये तुलसीदास जी और कोई नहीं, तुलसीदास जी। तुलसीदास तब बने जब तुलसी की सेवा किए, जन्म से तो ये राम बोला थे। और 5 साल तुलसी की सेवा करके इतनी बड़ी क्रांति हुई कि रामचरितमानस, भगवान रामचंद्र की लीला उनके मानस में उभर आई। और ऐसी लीला स्वयं हनुमान जी उनके सामने प्रकट, लक्ष्मण जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने निवेदन किया कि आपके मन में जो लीला भगवान की स्फुरित हो रही है उसको आप लिखिए। और अयोध्या में सरयू के तट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा, अद्भुत। भविष्य पुराण में तो ये भी कहा गया कि वो पूर्व के वाल्मीकि ऋषि थे और वही तुलसीदास बने। लेकिन कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि यूं तो ये राम के भक्त हुए लेकिन नाम तुलसीदास है ना, वे तुलसीदास तुलसी की सेवा करके, तुलसी की कृपा से वे बहुत बड़े विद्वान बने। काशी के बड़े बड़े पंडों को धूल चटा दिए, काशी के बड़े बड़े ब्राह्मणों को झुका दिए गोस्वामी तुलसीदास। अंगूठा छाप, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि जन्म से ही माता पिता नहीं, न पढ़ना लिखना कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन तुलसी महारानी की सेवा से, कृपा से बहुत बड़े विद्वान हुए और पूरे रामचंद्र के चरित्र को उन्होंने ग्रंथों में उतारा। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना पर, रामचरितमानस के ऊपर बहुत प्रहार हुए, उनकी चौपाइयों को काटा गया, निकाला गया, बदला गया, बहुत सारा चेंजेस लोगों ने किया, द्वेषी लोगों ने। और शायद इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सावधान किया कि भाई तुलसीदास जी की जो रचना है वो पवित्र है, तुलसीदास पवित्र है, लेकिन उनके साथ ईर्ष्या करने वालों ने उनकी कुछ चौपाइयों में मायावाद भर दिया है, इसलिए सावधान होकर पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये इतने बड़े संत हुए आखिर तुलसी की सेवा करने से, और इसका नाम भी पहले राम बोला था लेकिन तुलसी जी की सेवा करने से इनका नाम तुलसीदास हुआ। और तुलसी का जो पौधा है ना, वो दान करने की भी बड़ी महिमा है। बात आई है इसलिए कह दूं कि तुलसी का एक पौधा यदि दान करो, अधिक मास की बात नहीं करूं, पुरुषोत्तम मास में नहीं, ऑर्डिनरी कोई साधारण दिवस में तुलसी का एक पौधा, खास करके अमेरिका यूरोप में तो ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ तुलसी बहुत कम है, भारत में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन तुलसी का एक पौधा दान करने से कितना फल, 1 करोड़ गाय कार्तिक मास में दान करने से जितना फल मिलता है उतना एक पौधा। और फिर वही चीज यदि पुरुषोत्तम मास में दान करे तब तो ये गिनती में ही नहीं आएगा, इतना सारा फल प्राप्त होता है। तो हमें तुलसी का भी दान करना चाहिए। जो वैष्णव भक्त है जिनके घर पर नहीं होते तुलसी, और यदि चाहते हैं तो उनको प्रदान कर देना चाहिए, उनको देना। मैंने तो बीच में ऐसा विचार रखा था भक्तों के बीच में कि जोगर्स पार्क में है ना, पार्क में लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के लिए सुबह उठकर चड्डी पहनकर बहुत दौड़ते हैं और दौड़ते हैं पूरा राउंड, वो लोग परिक्रमा करते हैं, तो बीच में यदि 2-5 तुलसी को आप बो दो, तुलसी का पौधा लगा दो, तो अनजाने में भी तुलसी की परिक्रमा करते रहेंगे, है ना। पार्क में परिक्रमा वैसे ही करते हैं, बीच में हम जाकर तुलसी पौधा लगा दिए तो जाने अनजाने में तुलसी परिक्रमा होगी, उसको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी सुकृति बनेगी। लेकिन हमें तो ऐसा काम करने में कहाँ आनंद आता है, हमें तो जहाँ हमारे नाम का बोर्ड होता है, जहाँ हमारे नाम का प्रचार, हम तो ऐसा काम करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक सेवा है,
तुलसी के पौधा का दान करना या तुलसी पौधा उगाना, तो इस प्रकार से। और तुलसी जी के 8 नाम, आप तुलसी के कितने नाम जानते हैं? एक है तुलसी, दूसरी है वृंदा, है ना, ये फेमस है। लेकिन हमारे वेदों में, शास्त्रों में तुलसी जी के 8 नाम बताए। अब चर्चा चल रही है तो तुलसी जी के 8 नाम में निवेदन करूं। वृंदा वृंदावनेश्वरी विश्व पूजिता विश्व पावनी नंदिनी पुष्प सराच तुलसी कृष्णा जीवनी, तुलसी कृष्णा जीवनी। पद्म पुराण में कहा गया तुलसी के यह 8 नाम। तुलसी जी का प्रथम नाम है वृंदा, एक नाम है वृंदा। तुलसी जी का दूसरा नाम है वृंदावनेश्वरी, सेकंड नाम। अब इसी एक एक नाम के पीछे एक एक कथा, एक एक उनका इतिहास, लेकिन आप केवल नाम ध्यान रख लीजिए। एक है वृंदा, दूसरी है वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी देवी तुलसी। तुलसी देवी का तीसरा नाम है विश्व पूजिता, ये तुलसी देवी का तीसरा नाम है विश्व पूजिता। तुलसी देवी का चौथा नाम है विश्व पावनी, पूरे भूमंडल विश्व को पवित्र करने वाली। पांचवा नाम है नंदिनी, तुलसी जी का एक नाम है नंदिनी। छठा नाम है पुष्पसरा, तुलसी जी का छठा नाम है पुष्पसरा। सातवा नाम है तुलसी, जो हम बोलते रहते हैं। और आठवा नाम है कृष्ण जीवनी, जो कृष्ण की जीवनी है, माने कृष्ण का जीवन है देवी तुलसी, कृष्ण जीवनी। और पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं कि एत, ये जो 8 नाम है, ये त नाम अष्टकश्चैव स्तोत्रम संयुक्तकम। ये तुलसी जी के 8 नाम को यदि कोई पठेत, यदि कोई पढ़ता है, एत नामाष्टकश्चैव स्तोत्रम संयुतम, यह पठेत से संपूज्य स अश्वमेघ फल लभेत। ये 8 नाम लेकर जो तुलसी की पूजा करता है तो स वह व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, ये पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं। इसलिए ज्यादा ये यज्ञ के चक्कर में मत पड़ना, तुलसी देवी की पूजा ये 8 नाम लेकर कर देना, अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा और साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा भक्तों, तुलसी देवी का प्रचार इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। तुलसी देवी तो सदियों से हैं, तुलसी देवी तो परंपरा से हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जितना तुलसी का प्रचार किया दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। हम लोग बड़े ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद जी के, जिन्होंने हमें बहुत कुछ वस्तु दी, उनमें से एक है तुलसी, नहीं तो क्या, कौन जानता था। यहां तक ज्यादा से ज्यादा तुलसी को पानी चढ़ाना बस, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तुलसी की महिमा हमें बताई और प्रस्थापित किया। प्रत्येक सेंटर मंदिरों में प्रभुपाद जी ने 2-2 बार तुलसी की सेवा, पूजा, अर्चना और तुलसी जी की आरती, बड़ा सुंदर भजन श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा सेट करके दिया। सर्वप्रथम जब हम तुलसी को प्रणाम करते हैं सो तुलसी का प्रणाम मंत्र, वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्यश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यो वद्ये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्यश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यो वद्ये नमो नमः। सो वृंदाय तुलसी, ये तुलसी का प्रणाम मंत्र है। जब भी हम तुलसी देवी को देखते हैं, तुलसी देवी के सामने झुकते हैं, तो ये मंत्र बोलना चाहिए।
ये प्रणाम मंत्र वृंदे तुलसी देवी, हे तुलसी देवी, हे वृंदा देवी, ये दोनों नाम इनके हैं। प्रियाय केशवस्यश्च, आप केशव की प्रिया हो, आप कृष्ण की प्रिया हो, और विष्णु भक्ति प्रदे देवी। यहाँ पर मैं कह दूँ, हम साधकों के लिए भी कई बार झगड़ा होता है कि विष्णु भक्ति प्रदे देवी नहीं, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। कुछ लोग बोलते कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, कुछ लोग बोलते विष्णु भक्ति प्रदे देवी। झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों बात सत्य है। एक पद्म पुराण का और एक विष्णु पुराण का, दोनों अलग अलग पुराण के श्लोक हैं, दोनों समान हैं। विष्णु भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, दोनों सत्य है। लेकिन प्रभुपाद ने जिस ग्रंथ से, शास्त्र से ये श्लोक लिया है, तो वहाँ पर विष्णु भक्ति प्रदे देवी इस प्रकार से निवेदन किया गया। सो विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस प्रकार कहकर तुलसी जी को प्रणाम करके हम तुलसी जी की आरती गाते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेव पावो एई अभिलाषी। हे तुलसी, हम आपको प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेयसी, आप कृष्ण की प्रिया हो, और मेरे मन में एक अभिलाषा है, क्या? राधा कृष्ण सेव पावो, बंगला भाषा में है, मैं राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करती हूं। यदि राधा कृष्ण की सेवा चाहिए, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, ब्रजवास चाहिए, तो तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी माता को इस प्रकार से निवेदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं, जे तो मार शरण लोई तार वांच पूर्ण होई, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। क्यों? क्योंकि जे तुमार शरण लई है, तुलसी देवी जो आपका शरण ग्रहण करता है, तार वांछा, वांछा माने इच्छा, हे तुलसी जी जो आपकी शरण ग्रहण करता है, तार उनकी वांछा पूर्ण है, उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, हे तुलसी देवी आपकी शरण लेने वाले को आप वृंदावन वासी बना देती हो। ब्रजवासी बनना है, वृंदावन वासी बनना है, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुलसी की सेवा, पूजा और प्रणाम करें। आगे कहते हैं, मोर ए विलास, विलास कुंजे दियो वास, नयने हैं रिबो सोदा जुगल रूप रासी। हे देवी, हे तुलसी देवी, मोर एई अभिलाष, मेरी अभिलाषा है कि विलास कुंज दियो वास, कि मैं उस कुंज में वास करूं। मुझे प्रबोधानंद सरस्वती याद आते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि हे कृष्ण, हे राधे, मुझे तो, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ कि उस कुंज में, जिस कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में राधा और कृष्ण रात दिन लीला करते हैं, और रात भर लीला करने के बाद सुबह जब गोपियाँ उस कुंज को हाथ में झाड़ू लेकर साफ करती हैं और कुंज को सजाती हैं, तो हे प्रभु, मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि मैं वो झाड़ू बन जाऊं, भगवान के उस कुंज में मैं झाड़ू बन जाऊं, मार्जनी स्यात, में मार्जनी बन जाऊं। तो मोरे यही अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, मेरी अभिलाषा है कि मैं उस कुंज में वास करूं, और नयन हेरी बो सदा जुगल रूप राशि, और मैं मेरे नयन से
आंखों से निरंतर जुगल, जुगल माने जोड़ा, ट्विन्स, मैं जुगल रूप का दर्शन करती रहूं, मेरी ऐसी अभिलाषा है। ए निवेदना धरो सखीरनु गत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। मैं आपके चरणों में है तुलसी देवी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सखी के अनुगत कर दो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा गोपियाँ करती हैं, गोपियों की सेवा सखियाँ करती हैं और सखियों की सेवा मंजरियाँ करती हैं, प्रभु मुझे उन सखियों की सेवा में लगा दो। हे तुलसी देवी, आप मुझे उस सखियों की सेवा में लगा दो और सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, और अपनी दासी बनाकर मुझे सेवा करने का अधिकार दे दो। भक्तों, सेवा सब लोग नहीं कर सकते, हम तो क्या ना सेवा की महिमा भी नहीं जानते हैं। हमें जब हमारे मंदिरों में जब सेवा मिलती है तो हम बोझ समझते हैं, बहुत बड़ा बर्डन आ गया, बहुत बड़ा बोझ आ गया। सेवा सबको नहीं मिलती, जिसको अधिकार होता है उसी को सेवा मिलती है। और यहाँ पर भीख मांगा गया कि मुझे अधिकार दीजिए, मुझे सेवा दीजिए ताकि मैं ब्रज में ब्रज सेवा कर सकूं। और आगे, दिन कृष्ण दासे कोई। आप जानते हैं ये भजन किसने लिखा है? कई बार ऐसे भजन के अंत में आते हैं ना कि भाई मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, फिर ठाकुर भक्तिनोद के कवि अपना नाम, भजन लिखने वाले अपना नाम लिखते हैं। तो हमें क्या लगता है कि दीन कृष्ण दास एक, मतलब कृष्ण दास ने भजन लिखा होगा, मतलब दीन कृष्ण दास का कोई भगत होगा और उसने ये लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दीन कृष्ण दास तो अपना ये बता भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। नरोत्तम दास ठाकुर ने तुलसी की महिमा बताई और शिल प्रभुपाद जी ने उनको आरती के रूप में प्रस्तुत किया है। सो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दिन कृष्ण दासे कोई एई जे न मोर होय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए न भासी। सो ये नरोत्तम दास, ये दीन कृष्ण दास, ये दीनहीन नरोत्तम कह रहा है कि राधा और गोविंद के प्रति सदा सदा के लिए मेरा प्रेम हो जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सो तुलसी देवी से ये प्रार्थना, और फिर तो कमाल कर दिया। यानी कानी चप पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रण शांति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी देवी का दर्शन पूजा की तो महिमा है, लेकिन तुलसी के परिक्रमा की क्या महिमा है इस श्लोक में बताया गया। देखिए, समझने लायक श्लोक, हम गा तो लेते हैं लेकिन एक एक शब्द समझने लायक है कि यानी कानी, यानी माने ऐसे, कानी माने वैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे, मतलब यानी कानी का अर्थ बता रहा हूं। यानी कानी यहां या वहां, ऐसे या तैसे, जैसे या वैसे, च पापानी, हमने कैसे भी पाप किए हैं, है ना, छोटे बड़े ऊंचे नीचे है? कैसे भी किसी भी प्रकार के, यानी कानी जैसे तैसे भी हमने पाप किए हैं, च पापानी, पापानी माने पाप, कैसे पाप, यानी कानी ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी हमने पाप किए हैं। यहां तक दूसरी लाइन में कहते हैं, यहां तक ब्रह्म हत्यादि कानी च, ब्रह्म हत्यादिक, ब्रह्म हत्यादिक, ब्रह्म इत्यादि हमने पाप किए हो, सो ऐसे वैसे जैसे तैसे, और यहां तक ब्रह्म हत्या भी, यदि हमने ब्रह्म हत्या के पाप किए हो
तीसरी लाइन में कहते हैं तानी तानी वो सारे छोटे बड़े पाप, तानी तानी प्रणश्यन्ति, वो सारे छोटे बड़े पाप खत्म होते जाएंगे। कब? प्रदक्षिणा पदे पदे, जब हम तुलसी की प्रदक्षिणा करेंगे, और तुलसी की प्रदक्षिणा करते समय पदे पदे हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक कदम आगे बढ़ाने से कितने पाप खत्म होंगे? यानी कानी च पापानी, जितने भी यहाँ वहाँ जो पाप किए हैं या ब्रह्म हत्या के पाप किए हैं, वो सारे पाप एक एक कदम को आगे बढ़ाने से खत्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। तो ये हैं तुलसी देवी की महिमा। मुझे यही भाव आया कि श्रील प्रभुपाद ने तुलसी जी के विषय में जो बताया है, दुनिया में मुझे नहीं लगता है किसी ने तुलसी की इतनी महिमा बताई होगी। तो ये हैं तुलसी की महिमा। और साथ ही साथ अंत में तुलसी पत्र जब हम तोड़ते हैं तो मंत्र बोलना चाहिए, तुलसी मृत जन्मासी सदात्वम केशव प्रिया केशवार्थ केश चिनो भी तुम वरदा भव शोभने, टक टक ऐसा आवाज आना चाहिए तुलसी तोड़ने का। फिर उसको आदर से प्रणाम करते हुए तुलसी जी को हमें लेना चाहिए। अब बात आई तो तुलसी के ऊपर मांजर होते हैं, क्या कहते हैं आप? हमारे वहाँ मांजर कहते हैं, मंजरी मांजर तुलसी में जो होते हैं ना। तो याद रखिएगा, जो लोग तुलसी सेवा पूजा करते हैं, तुलसी पर मांजर ठीक नहीं है, तुलसी के ऊपर मांजर चढ़ने नहीं देने चाहिए। ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है, गुरुदेव के मुख से सुना है कि तुलसी में जो मांजर होते हैं वो तुलसी को बड़ा कष्ट देते हैं। वह तुलसी के ऊपर 500 किलो का बोझ रखा है, इतना कष्ट होता है तुलसी पर जो मांजर होते हैं वह रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से भी अधिक उत्तम है तुलसी के मांजर, वो मंजरी। तो एक तीर दो निशान, कि हम तुलसी के मांजर को उतार लेंगे तो तुलसी का भार हल्का हो जाएगा, और वह मांजर यदि कृष्ण के चरणों में चढ़ा देंगे तो कृष्ण पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम भक्तों को यह कार्य अवश्य करना चाहिए कि तुलसी के मांजर को उतार कर भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, समय हो चुका है। तुलसी जी के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो पूरा अष्टकम लिखा है, वृंदाष्टकम, और फिर जलंधर वृंदा आदि की कथा, तो बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, कीमती समय निकाल कर आप आए, तुलसी महिमा हुई। कल हम भागवत कथा प्रारंभ करेंगे, सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए, कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री तुलसी महारानी की पावन पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री विष्णु सहस्रनामावली। ओम शांताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगकं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विश्वस्मै नमः। ओम वशाकाराय नमः। ओम भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भावाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परमगतये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम साक्षिणे नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम योगाय नमः। ओम योगविंदानेत्रे नमः। ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। ओम नारसिंहवशे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषतमाय नमः। ओम सर्वस्वै नमः।
ओम शर्वाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम स्थावणे नमः, ओम भूतादये नमः, ओम निगने व्यवयाय नमः, ओम संभवाय नमः, ओम भावनाय नमः, ओम भक्त्रे नमः, ओम प्रभवाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महास्वनाय नमः, ओम अनादिनाथाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम धातुरत्तमाय नमः, ओम प्रेमायाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अमरप्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम मनवे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम सविष्ठाय नमः, ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः, ओम अग्रह्याय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम प्रगदनाय नमः, ओम प्रभुताय नमः, ओम त्रिकम्बुधाम्ने नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मंगलाय परस्मै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भूगर्भाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम धन्विने नमः, ओम मेघाविने नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम क्रमाय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम दुराधताय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम कृतये नमः, ओम आत्मवते नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम शरणाय नमः, ओम शर्मणे नमः, ओम विश्वरेतसे नमः, ओम प्रजातभवाय नमः, ओम अंधे नमः, ओम समंसकराय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम प्रत्याय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम सर्वादये नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम विशाखपये नमः, ओम मे आत्मने नमः, ओम सर्वयोग विनिवृत्त सुताय नमः, ओम वसवे नमः, ओम वशुमनसे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम समात्मनाय नमः, ओम संहिताय नमः, ओम समाय नमः, ओम मोहाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम शिखर्मणे नमः, ओम शाकतये नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम बहुशिरसे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम विश्वयोनवे नमः, ओम शुचिशवशे नमः, ओम अमृताय नमः, ओम शाश्वतस्थानवे नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम महातपसे नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वविद्वानवे नमः, ओम विश्वक्षवेनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम वेदविदे नमः, ओम अव्यगाय नमः, ओम वेदांगाय नमः, ओम वेदविदे नमः, ओम कवये नमः, ओम लोकाध्यक्षाय नमः, ओम शूराध्यक्षाय नमः, ओम धर्माध्यक्षाय नमः, ओम कृताकृताय नमः, ओम चतुरात्मने नमः, ओम चतुर्युहाय नमः, ओम चतुर्दशत्राय नमः, ओम चतुर्विहाय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम राजेष्णवे नमः, ओम भोजनाय नमः, ओम भोक्त्रे नमः, ओम सहिष्णवे नमः, ओम जगदादिदाय नमः, ओम अनधाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम क्षेत्रे नमः, ओम विष्णुयोनवे नमः, ओम पुनर्वर्षवे नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम रामाय नमः, ओम प्राशवे नमः, ओम अमोघाय नमः, ओम शुचये नमः, ओम ऊर्जिताय नमः, ओम अतीन्द्राय नमः, ओम संघहाय नमः, ओम शरदाय नमः, ओम धृतात्मनये नमः, ओम नियमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम सदायोगिने नमः, ओम वीरग्नये नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधवये नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महोत्साहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम महाभूताय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम महाशक्तये नमः, ओम महादूतये नमः, ओम अग्निर्देशवशवे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम यत्मने नमः,
ओम महाद्रीदृशै नमः ओम महेश्वराय नमः ओम महीभद्रै नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम शतांगतये नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम सुरानंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदपतये नमः ओम मरीचये नमः ओम दमनाय नमः ओम हंसाय नमः ओम सुपर्णयाय नमः ओम भुजगोक्तगामाय नमः ओम हिरण्यनाभाय नमः ओम सुपतसे नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम अमृतवे नमः ओम सर्वदुषै नमः ओम सिंहाय नमः ओम संधारते नमः ओम संधीमते नमः ओम स्थिराय नमः ओम अजाय नमः ओम दुर्मुषाणाय नमः ओम शास्त्रे नमः ओम विश्रुतात्मने नमः ओम शुरांगिने नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुतमाय नमः ओम धामने नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्यपराक्रमाय नमः ओम निमिषाय नमः ओम अनिमिषाय नमः ओम वाचस्पतये उदारधिये नमः ओम रग्रण्ये नमः ओम ग्राम्यये नमः ओम श्रीमते नमः ओम न्यायाय नमः ओम नेत्रे नमः ओम समीरणाय नमः ओम सहस्त्रमूले नमः ओम विश्वात्मने नमः ओम सहस्त्राक्षाय नमः ओम सहस्त्रपदे नमः ओम आवर्तनाय नमः ओम निवृत्तात्मने नमः ओम समृताय नमः ओम संप्रमदाय नमः ओम अहम समंतकाय नमः ओम वहन्वे नमः ओम अनिलाय नमः ओम धरणीधराय नमः ओम सुप्रसादाय नमः ओम प्रसादमनाय नमः ओम विश्वतुषे नमः ओम विश्वभूजे नमः ओम विभवे नमः ओम सत्कर्षे नमः ओम सत्कृताय नमः ओम साधवे नमः ओम जानवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम असंख्याय नमः ओम अप्रिमायात्मने नमः ओम विशिष्टाय नमः ओम शिष्टकृते नमः ओम शुचये नमः ओम सिद्धार्थयाय नमः ओम सिद्धसंकल्पाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम सिद्धिसाधाय नमः ओम ऋषाहीने नमः ओम ऋषभाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम ऋषप्रणवे नमः ओम शुदराय नमः ओम वर्धनाय नमः ओम वर्धमानाय नमः ओम वित्तिकाय नमः ओम श्रुतिसागराय नमः ओम शुभुजाय नमः ओम दुर्धराय नमः ओम वाग्मीने नमः ओम महेन्द्राय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वसवे नमः ओम नेकरूपाय नमः ओम बृहद्रूपाय नमः ओम शिविष्टाय नमः ओम प्रकाशाय नमः ओम ओजस्तेजोदुतिराय नमः ओम प्रकाशात्मने नमः ओम प्रतापनाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम स्पष्टक्षराय नमः ओम मंत्राय नमः ओम चंद्रांशवै नमः ओम भास्करधूतये नमः ओम अमृताशुद्धदवाय नमः ओम मानवै नमः ओम शशबिन्दवै नमः ओम सुरेश्वराय नमः ओम औषधाय नमः ओम जगतहेतवै नमः ओम सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ओम भूतभविभवनाथाय नमः ओम पवनाय नमः ओम पावनाय नमः ओम अनिलाय नमः ओम कामग्नये नमः ओम कामकृतये नमः ओम कांताय नमः ओम कामाय नमः ओम कामप्रदाय नमः ओम प्रभवै नमः ओम योगादिकृतये नमः ओम योगावर्ताय नमः ओम नेकमायाय नमः ओम महाशनाय नमः ओम अदृशशाय नमः ओम व्यक्तरूपाय नमः ओम सहस्त्रजीसे नमः ओम अनंतजीते नमः ओम इष्टाय नमः ओम विशिष्टाय नमः ओम शिष्टयाय नमः ओम शिखंडीने नमः ओम नहुषाय नमः ओम ऋषाय नमः ओम कोकाग्रे नमः ओम कोकृतक्रे नमः ओम विश्वबाहवे नमः ओम महीधराय नमः ओम अच्युतयाय नमः ओम प्रतिताय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम वासवासनुजाय नमः ओम अपामितये नमः ओम अधिष्ठानाय नमः ओम अप्रमत्ताय नमः ओम प्रतिष्ठिताय नमः ओम स्कंदनाय नमः ओम स्कंदधराय नमः ओम दुर्याय नमः ओम वरदाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम बृहदानवे नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम पुरंदराय नमः ओम अशोकनाय नमः ओम तारणाय नमः ओम ताराय नमः ओम शिराय नमः ओम शौरवे नमः ओम जनेश्वराय नमः ओम अनुकुलाय नमः ओम शतावर्याय नमः ओम पद्मिने नमः ओम पद्मिनीभक्षणाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अरविंदाय नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम शरीरवृते नमः ओम हृदये नमः
ओम मृताय नमः ओम मृधात्मने नमः ओम महाक्षाय नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः ओम पतुलाय नमः ओम शरभाय नमः ओम भीमाय नमः ओम समयप्रज्ञाय नमः ओम हरिहरये नमः ओम हविहरये नमः ओम सर्वलक्षण लक्षणाय नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम समितंजयाय नमः ओम विक्षराय नमः ओम रोहिताय नमः ओम मार्गाय नमः ओम हेतवये नमः ओम दामोदराय नमः ओम सहाय नमः ओम महिदराय नमः ओम महाभागाय नमः ओम वेगवते नमः ओम अमितनाशाय नमः ओम उद्रवाय नमः ओम शोभनाय नमः ओम देवाय नमः ओम श्री गर्भाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम करुणाय नमः ओम कारणाय नमः ओम कर्त्रे नमः ओम विकर्त्रे नमः ओम गहनाय नमः ओम गुहाय नमः ओम व्यवसायाय नमः ओम व्यवसायाय नमः ओम व्यवस्थानाय नमः ओम संस्थानाय नमः ओम स्थानदाय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम परानये नमः ओम परमस्पष्टाय नमः ओम दुष्टाय नमः ओम गुष्ठाय नमः ओम शुभेक्षणाय नमः ओम रामाय नमः ओम विराजमाय नमः ओम विरजाय नमः ओम मार्गाय नमः ओम नेयाय नमः ओम नयाय नमः ओम अनयाय नमः ओम वीराय नमः ओम शक्तिमतां श्रेष्ठाव्यै नमः ओम धर्मायै नमः ओम धर्मविदुत्तमायै नमः ओम वैकुंठायै नमः ओम पुरुषायै नमः ओम प्राणायै नमः ओम प्राणदायै नमः ओम प्रणवायै नमः ओम कृतवै नमः ओम हिरण्यगर्भायै नमः ओम शत्रुनाथाय नमः ओम व्यात्मयै नमः ओम वायवै नमः ओम अदुक्षयायै नमः ओम मृतवै नमः ओम सुदर्शनाथाय नमः ओम सुदर्शनायै नमः ओम कालायै नमः ओम परमेश्वरै नमः ओम परिग्रहाय नमः ओम उग्राय नमः ओम समंतसराय नमः ओम दक्षाय नमः ओम विश्रमाय नमः ओम विश्वदक्षिणाय नमः ओम विस्ताराय नमः ओम स्थावरस्थानवै नमः ओम प्राणमानाय नमः ओम बीजमव्ययाय नमः ओम अर्थाय नमः ओम अनर्थाय नमः ओम महाकोशाय नमः ओम महाभोगाय नमः ओम महाधनाय नमः ओम अनिवरणाय नमः ओम स्तविष्ठाय नमः ओम अघुवे नमः ओम धर्मयूयाय नमः ओम महाकमखाय नमः ओम आधारनीलायाय नमः ओम धात्रे नमः ओम पुष्पहासाय नमः ओम प्रजागराय नमः ओम उद्भवाय नमः ओम सत्पथाचाराय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्रणवाय नमः ओम प्रणाय नमः ओम प्रमाणाय नमः ओम प्राणनीलायाय नमः ओम प्राणभूते नमः ओम प्राणजीवाय नमः ओम तत्त्वाय नमः ओम तत्त्ववीरे नमः ओम एकात्मने नमः ओम जन्ममृत्युजराव्याधिगताय नमः ओम भूर्भुवस्तरेवे नमः ओम ताराय नमः ओम सवित्रे नमः ओम प्रतिभामहाय नमः ओम यज्ञाय नमः ओम यज्ञपतये नमः ओम यज्वने नमः ओम यज्ञाहङ्गाय नमः ओम यज्ञवाहनाय नमः ओम यज्ञकृते नमः ओम यज्ञकृते नमः ओम यज्ञिने नमः ओम यज्ञपूजये नमः ओम यज्ञसाधनाय नमः ओम यज्ञान्तकृते नमः ओम यज्ञगुहाय नमः ओम अन्नाय नमः ओम अन्नदाताय नमः ओम आत्मयोनवे नमः ओम अन्नदाय नमः ओम स्वयं जाताय नमः ओम वेखानाय नमः ओम सामगायनाय नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम सृष्टे नमः ओम क्लेशाय नमः ओम पापनाशाय नमः ओम शङ्खभूते नमः ओम नन्दकीरे नमः ओम चक्रिणे नमः ओम शङ्खदन्वने नमः ओम गदाधराय नमः ओम रथाङ्गपाणये नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम सर्वप्रहरणानुयाय नमः ओम गोपिकावल्लभाय नमः ओम वामनाय नमः ओम शङ्कर्षणाय नमः इति श्रीविष्णु सहस्रनामावली ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।